नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। एक ज़माने में लोग रेनो के डस्टर की कस्मी खाया करते थे और अब हाल ये है कि रेनो को गाना गाना पड़ रहा है, जाने कहाँ गए वो दिन। रेनो की डस्टर का हाल इतना बुरा है कि जनवरी के महीने में इसके केवल अप्रॉक्सीमेटली 405 यूनिट्स ही बिके हैं। आज की डेट में रेनो की डस्टर फीचर्स के मामले में, डिज़ाइन के मामले में काफ़ी आउटडेटेड एंड ओवर प्राइस लगती है। आज की इस वीडियो में हम रेनो की डस्टर और टाटा की नेक्सॉन को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, रेनो की डस्टर या फिर टाटा की नेक्सॉन। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग से। पेट्रोल मैनुअल में रेनो डस्टर टॉप वेरिएंट RXS आपको मिलेगा 9,24,990 रुपीज़, जो नेक्सॉन से 1,15,000 रुपये सस्ता आएगा। पेट्रोल ऑटोमेटिक जिसमें आपको रेनो CVT ऑफर करता है आपको मिलेगा 9,99,990 रुपीज़ में, जो नेक्सॉन AMT से 1,00,000 रुपये सस्ता आता है। अब बात कर लेते हैं डीजल की। तो रेनो डस्टर डीजल मैनुअल में आपको आएगी 12,14,990 रुपये में, जो नेक्सॉन से 5,000 रुपये महंगी आती है। और डीजल AMT में डस्टर का प्राइस है 12,54,990 रुपये, जो नेक्सॉन से यहाँ भी 5,000 रुपये महंगा है। नेक्सॉन की प्राइसिंग और दोनों का प्राइस डिफरेंस मैं आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक्स्ट्रा प्राइस में नेक्सॉन आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है। यहाँ पर एक गौर करने वाली और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि पेट्रोल ऑटोमेटिक में डस्टर जहाँ आपको CVT दे रही है, वहीं टाटा नेक्सॉन में आपको केवल AMT ऑफर करता है। चलिए अब मुड़ते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में डस्टर नेक्सॉन से काफ़ी बड़ी है और इसीलिए जाहिर सी बात है कि इसमें आपको नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन्स के बारे में। रेनो डस्टर में आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 106 PS की पावर जनरेट करता है 5600 RPM पर, और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4000 RPM पर। वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन में डस्टर, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करती है 4000 RPM पर, 245 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी 1750 RPM पर। टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर, और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4000 RPM पर। वहीं 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन नेक्सॉन में आपको देता है 110 PS की पावर 4000 RPM पर, और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस के बारे में। नेक्सॉन में आपको मिलता है 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और डस्टर में आपको आएगा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस की तरह टर्निंग रेडियस में भी दोनों गाड़ियों में मामूली सा अंतर है। नेक्सॉन में आपको मिलता है 5.1 mm का टर्निंग रेडियस, वहीं डस्टर में आपको मिलेगा 5.2 mm का टर्निंग रेडियस। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो डस्टर आपको ऑफर करेगी 475 लीटर का बूट स्पेस, वहीं नेक्सॉन में आपको केवल 350 लीटर का बूट स्पेस ही मिलता है। अब जानते हैं इन दोनों का वज़न कितना है, जिसे जानकर आप दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का एक बेसिक अंदाज़ा लगा पाएंगे। टाटा नेक्सॉन का वज़न है 1188 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक, वहीं डस्टर का वज़न आता है 1160 किलोग्राम से लेकर 1308 किलोग्राम्स तक। अब थोड़ा फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर भी गौर कर लेते हैं। नेक्सॉन में आपको मिलता है 44 लीटर का फ्यूल टैंक और डस्टर में आपको मिलेगा 50 लीटर का फ्यूल टैंक। माइलेज की जहां तक बात है, कंबाइन माइलेज यानी कि पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक और डीजल सबको मिलाकर नेक्सॉन आपको कंबाइन माइलेज ऑफर करेगी 17 KMPL से लेकर 22 KMPL तक, वहीं डस्टर में आपको मिलेगा 14 KMPL से लेकर 20 KMPL तक का कंबाइन माइलेज। व्हील्स की जहां तक बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में हमें मिलते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। चलिए अब रुख करते हैं उन फीचर्स की तरफ जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से जो दोनों गाड़ियों में कॉमन आता है, वो है 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स। बाद में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स,
DRLs, fog lamps, roof rails, LED tail lamps, electronically adjustable and auto fold ORVMs with turn indicators. दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट मिलेगी, लेदर सीट्स नहीं मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको मिलेंगे फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड कप होल्डर, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक एसी एंड स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स जो आपको डस्टर में मिलते हैं पर नेक्सॉन में वो आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसा शायद ही कोई फीचर होगा जो आपको डस्टर में मिलेगा लेकिन नेक्सॉन में वो फीचर ना मिले। अगर आपको ऐसा कोई फीचर नज़र आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी फीचर्स आपको डस्टर में मिलते हैं वो सारे के सारे फीचर्स नेक्सॉन ऑफर करती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जिनका नामो निशान डस्टर में आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से। तो नेक्सॉन में आपको मिलेगा रियर स्पॉइलर विथ एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैम्प। नेक्सॉन में आपको मिलते हैं चार कैरी बैग हुक्स इन बूट एंड इनसाइड द केबिन नियर द फुटवेल ऑफ द को पैसेंजर एंड बी पिलर्स पर। नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी 15 लीटर का यूनिकली डिजाइन कूल ग्लव बॉक्स विथ टू कप होल्डर्स, वॉलेट होल्डर, पेन होल्डर एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर और अ विजिटिंग कार्ड होल्डर। यहाँ पर आपको नेक्सॉन में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आज की रेट में टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्सॉन ऑफर करती है आपको 60-40 स्प्लिट रियर सीट, जिसकी वजह से 350 लीटर का बूट स्पेस आप चाहें तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्सॉन में प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से यूटिलिटी स्पेसेस को बहुत सही तरीके से डिज़ाइन किया है, और उसी का एक एग्जांपल है कि आगे के दोनों डोर्स में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्सॉन में ड्राइवर के कंफर्ट के लिए आपको ड्राइवर फुटरेस्ट विथ डेड पेडल मिल जाता है, जो आपको डस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ नेक्सॉन में आता है। उसके अलावा नेक्सॉन आपके ड्राइविंग प्लेजर को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए आती है मल्टी ड्राइव मोड्स के साथ में, जहाँ पर आपको मिलते हैं इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। वहीं डस्टर में आपको केवल एक ही मोड मिलता है, जो है इको मोड। नेक्सॉन आपको आती है रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ में, अलॉन्ग विद दैट यू गेट पुश स्टार्ट बटन एंड स्टॉप का फीचर। जब इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो ये फीचर भी आज की रेट में काफ़ी सारे कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं। अगला फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी स्मार्ट वॉच की तरह एक स्मार्ट वियरेबल की। नेक्सॉन में आपको एक्सप्रेस कूल फीचर भी आता है फॉर फास्ट एसी कूलिंग। अगला फीचर है दोस्तों जो कि इंफोटेनमेंट से जुड़ा है, नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम बाय हर्मन कार्डन विथ टन्स ऑफ लॉट ऑफ फीचर्स सच एज 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर्स, कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स, कॉल रिजेक्ट फंक्शन विद SMS एंड कॉल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा नेक्सॉन में आपको इमेज एंड वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन भी मिलता है, IRA टेक्नोलॉजी कनेक्टेड फीचर ऐप मिल जाएगा। नेक्सॉन में आप कार की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। वहीं पर डे एंड नाइट IRVM का ऑप्शन भी नेक्सॉन की केबिन में आपको ऑफर हो जाता है। अगले फीचर की अगर आप बात करें तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। शुरुआत करते हैं ब्रेक डिस्क वाइपिंग से, जो नेक्सॉन ऑफर करेगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन भी आपको नेक्सॉन में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। रोल ओवर मिटिगेशन आपको नेक्सॉन में आता है। और सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, नेक्सॉन आपको आती है ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में। अब आखिर में बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर की। तो नेक्सॉन में आपको मिलती है 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी, वहीं डस्टर में आपको 2 साल या फिर केवल 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल हम ये जानते हैं कि डस्टर नेक्सॉन से सस्ती तो आती है, लेकिन अप मार्केट मॉडर्निज फीचर्स और डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी आउटडेटेड और ओवर प्राइस है। डस्टर में आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहीं नेक्सॉन में प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस दोनों ही गाड़ियों का बराबर है, लेकिन नेक्सॉन का इंजन बेहतर पावर फिगर्स और माइलेज ऑफर करता है। इसके अलावा नेक्सॉन में कई सारे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, बेहतर वारंटी पैकेज मिलता है, साथ ही में ग्लोबल एनकैप की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी आती है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि रेनो की डस्टर को अब डस्टर का एक मॉडर्निज अप मार्केट फीचर के साथ में नया जनरेशन लॉन्च करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।